मीना कुमारी का जीवन और फिल्में इतनी ट्रेजेडी से भरी थी कि उन्हें बॉलीवुड में ट्रेजेडी क्वीन के नाम से जाना जाता था। इनका जन्म 1 अगस्त 1932 को बंबई में हुआ। इनका परिवार इतना गरीब था कि डॉक्टर को देने तक के लिए उनके पास पर्याप्त धन नहीं था। परिवार में एक बच्चे का पालन पोषण करना तक मुश्किल था। इनके पिता अली बख्श और माता इकबाल बेगम ने तय किया कि वो अपने दिल के टुकड़े को एक मुस्लिम यतीमखाने की सीढ़ियों पर छोड़ आएंगे और उन्होंने ऐसा ही किया। लेकिन जब वो मीना कुमारी को छोड़कर जा रहे थे तब उनसे ये कदम उठाया नहीं गया। उन्होंने उस बिलखती हुई बच्ची को अपनी गोद में उठाकर अपने सीने से लगा लिया और उसे अपने घर ले आए, जिसके बाद इस बच्ची का नाम रखा गया महज़बीन बानो। परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक ना होने की वजह से महज़बीन ने महज 7 साल की उम्र से ही फिल्मों में काम करना शुरू कर दिया। फिल्मों में आने के लिए उनका नाम परिवर्तित किया गया और उनका नाम पड़ा मीना कुमारी। बतौर बाल कलाकार उन्होंने सर्वप्रथम फिल्म लेदर फेस में काम किया। इसके बाद वो फिल्म अन्नपूर्णा, तमाशा, सनम, लाल हवेली जैसी फिल्मों में नजर आई, लेकिन उन्हें पहचान मिली साल 1992 की फिल्म बैजू बावरा से, जिसके बाद वो लगातार शोहरत की बुलंदियों पर पहुंचती गई। एक दिन मीना कुमारी के पिता ने उन्हें बताया कि कमाल अमरोही उन्हें अपनी फिल्म में लेना चाहते हैं, लेकिन उनके अकड़ स्वभाव से परिचित मीना ने उनकी फिल्म में काम करने से साफ मना कर दिया, जिसके बाद अमरोही ने उन्हें मनाया और मीना ने फिल्म साइन कर दी। किसी कारणवश ये फिल्म उस समय तो नहीं बन पाई, लेकिन कमाल और मीना कुमारी उस दौरान काफ़ी करीब आ गए और दोनों एक दूसरे के प्यार में गिरफ्तार हो गए। एक दिन कमाल ने उन्हें शादी का प्रस्ताव भेजा। कमाल पहले से ही शादीशुदा थे, जिसके चलते मीना कुमारी को ये बात पता थी कि उनके वालिद कभी इस रिश्ते को कबूल नहीं करेंगे। मीना को कमाल से प्यार तो मंजूर था, लेकिन वो निकाह के लिए राजी नहीं हुई। कमाल के दोस्त ने उन्हें समझाया कि पहले निकाह कर ले, उसके बाद अम्मी अब्बू को भी मना लेंगे, और महज 2 घंटे के लिए मीना कुमारी घर से निकल पाई और दोनों ने निकाह कर लिया। मीना कुमारी के वालिद साहब को जब इस बात का पता चला तो वो बेहद गुस्सा हुए और उन्होंने मीना से कहा कि वो जल्द से जल्द तलाक ले लें, लेकिन मीना ने ऐसा नहीं किया। इसके बाद मीना कुमारी के पिता ने उन दोनों के मिलने पर पाबंदी लगा दी। वो मीना कुमारी के साथ फिल्म के सेट पर भी जाया करते थे। एक दिन जब मीना कुमारी ने अपने पति की फिल्म डेरा में काम करने का निर्णय लिया, तब उनके पिता अली बख्श ने उनसे रिश्ता ख़त्म कर लिया और उन्हें घर से निकाल दिया। इसके बाद वो अपने पति कमाल के साथ ही रहने लगी। मीना कुमारी अपने करियर की बुलंदी पर थी। उनकी सफलता कहीं ना कहीं उनके और पति के बीच खटास पैदा कर रही थी। वो दौर ऐसा था जब वो हिंदी सिनेमा की एक कामयाब अभिनेत्री बन चुकी थी और हर निर्माता निर्देशक मीना कुमारी के साथ फिल्म बनाना चाहता था। मीना की सफलता कमाल को चुभने लगी और उन्होंने मीना पर बंदिशें लगाना शुरू कर दिया। कमाल ने मीना के सामने शर्त रखी कि उन्हें शूटिंग से शाम 6:30 बजे तक घर वापस आना होगा और उनकी मेकअप वैन में भी मेकअप मैन के अलावा और कोई नहीं आएगा। मीना ने उनके प्यार में सारी शर्तें मान ली, लेकिन फिर भी इनकी कड़वाहट कम नहीं हुई। एक दौर आया जब अमरोही पाखीजा बना रहे थे, तब उन पर बुरी तरह आर्थिक संकट आ गया। उस वक्त मीना कुमारी ने अपने पति की मदद के लिए अपना सारा पैसा लगा दिया। तब भी इसके रिश्ते नहीं सुधरे और तलाक ही इस रिश्ते का अंजाम साबित हुआ। इसके बाद उन्हें कई बीमारियों ने भी घेर लिया। बीमारी के चलते वो रात भर नहीं सो पाती थी, जिस पर डॉक्टर ने उन्हें 1 पैग ब्रांडी पीने को कहा, लेकिन वही बढ़ते हुए 1 से 2, 2 से 4 पैग हो गए, जिसके बाद मीना कुमारी को शराब की लत लग गई। इसी दौरान फिल्म पाकिजा की शूटिंग फिर से शुरू हुई और बीमारी के दौरान मीना कुमारी ने इस फिल्म में काम किया, लेकिन समय को कुछ और ही मंजूर था।
मीना कुमारी को लिवर कैंसर ने अपनी चपेट में ले लिया था, उनका स्टारडम चरम पर था, लेकिन वक्त को ये मंजूर नहीं था। महज 39 साल की छोटी उम्र में ही 31 मार्च 1972 को हिंदी सिनेमा की इस नायाब हस्ती ने दुनिया को अलविदा कह दिया। मीना कुमारी ने जो इतने से समय में स्टारडम हासिल किया, वो अब किसी और के बस की बात बिल्कुल नहीं है, जिसके चलते उनका नाम हिंदी सिनेमा में हमेशा अमर रहेगा। तो मैं थी आरजे अनामिका, मेरी कहानी आपको कैसी लगी ये हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। नमस्कार।